आज हम बनाने वाले हैं दही और बेसन की कढ़ी। दही और बेसन की कढ़ी चावल और रोटी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चलिए बनाते हैं आज बेसन की कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम 300 ग्राम दही लेंगे एक बाउल में और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। में हम ये 150 ग्राम बेसन मिलाएंगे। और उसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। दही और बेसन को अच्छे से मिक्स करना है हमको। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है तभी कढ़ी अच्छी बनेगी। और अब हम इसे एक बर्तन में डालकर पानी मिलाएंगे थोड़ा सा। बाउल में भी हम पानी डालकर इसको इसमें डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। थोड़ा हमें पतला ही रखना है अभी इसका कंसिस्टेंसी, ये पकने के बाद काफी थिक हो जाएगा। ये देखिए, अब इसे हम गैस पर रख देंगे और फ्लेम ऑन कर देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। इसको चमचे से चलाते रहना है हमें, इसे रेगुलर चलाना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाए। जब तक ये उबलने ना लग जाए तब तक हमें इसे रेगुलर चलाना है, नहीं तो इसमें दही फट जाएगी। ये देखिए, अब हमारी कढ़ी काफ़ी बॉयल हो गई है, उबलने लगी है ये। अब हमें इसे ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये बॉयल हो चुकी है, इसमें उबाल आने लगा है। तो अब हम इसे एक घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। धीमे धीमे ये पकती रहेगी। जब तक हमारी कढ़ी पक रही है हम पकौड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। हम एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच नमक, एक चुटकी हल्दी पाउडर और ये बेकिंग सोडा डालेंगे आधा चुटकी, एक चुटकी, और ये हींग का पानी जो मैंने बनाया था उसको भी इसमें डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी मिलाकर हम इसका एक घोल तैयार कर लेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा बैटर बनके तैयार हुआ है पकौड़ी बनाने के लिए बेसन का। तो चलिए पकौड़ी बनाते हैं। अब हमारी कढ़ी करीब करीब पकने ही वाली है, काफी देर हो गई पकते हुए।
ये पकौड़ी भी सिक गई हैं, इनको बाहर निकालेंगे ऑयल में से। देखिए कढ़ी बिल्कुल रेडी है। कढ़ी के पकने का साइन ये है कि इसके चारों के तरफ किनारे में रेडनेस आने लगती है, तो बिल्कुल पता चल जाता है कि ये कढ़ी अब बिल्कुल पक चुकी है। अब हम इसमें ये पकौड़ी मिक्स कर देंगे कढ़ी में। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे हम, उसमें जीरा पाउडर, जीरा डालेंगे, साबुत लाल मिर्च डालेंगे इसमें, करी पत्ती डालेंगे कुछ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है कढ़ी में। और इस तड़के को हम कढ़ी में ऊपर से डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की एक टिप ये है कि जब भी आप कढ़ी बनाएं तो उसके लिए जो भी दही जमाएं उसमें मलाई जरूर जमाएं। मलाई वाली दही से कढ़ी बनाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यही मेरी आज की टिप है। तो ये देखिए हमारी कढ़ी बनके आप बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे बना के देखिए, खा के देखिए कैसी बनी, मुझे कमेंट में बताइएगा, ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।